Alright friends, this question में given है the potential due to an electrostatic charge distribution is V as a function of R is given Q e the power minus alpha R divided by 4 pi epsilon R where alpha is positive. The net charge within a sphere centered at the origin and of radius 1 by alpha is. तो scenario कुछ इस तरह से आपको given है कि एक sphere spherical volume अगर आप consider करें जिसका radius है say small r, इसके अंदर का चार्ज हमें बताना है कितना है और हमें इसकी सरफेस पे किसी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है उसकी वैल्यू उसका फंक्शन जो है वो हमें गिवन है. तो अगर आप गॉशियस लॉ को फॉलो करें तो फॉलोइंग गॉशियस लॉ क्लियरली फ्लक्स जो होता है दैट इज इक्वल टू चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. और यहाँ से चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस क्लियरली हमारे पास एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फ्लक्स आ जाता है और जो फ्लक्स है एसोसिएटेड विद क्लोज्ड गॉशियन सरफेस उसका फॉर्मूला आपके पास आता है इक्वल टू इंटेग्रल सरफेस इंटेग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर. यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है इस सरफेस के ऊपर होती है स्फेरिकल सरफेस के ऊपर और जब आप ये इंटेग्रल परफॉर्म कर देते हैं इवेंचुअली ये आपके पास आ जाता है इक्वल टू ई इंटू फोर पाई आर स्क्वायर. बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे सरफेस पे कांस्टेंट होती है आप उसे बाहर निकाल लेते हैं और डी एस जो है उसका जब आप इंटेग्रल करते हैं ओवर दी क्लोज सरफेस स्फेरिकल सरफेस वो आपके पास आ जाता है फोर पाई आर स्क्वायर. अब हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम फाइंड करते हैं बाय अप्लाइंग द फॉर्मूला माइनस ऑफ डी वी बाई डी आर जब हमें पोटेंशियल दिया होता है एज अ फंक्शन ऑफ आर जैसा कि हमें क्वेश्चन में गिवन है. तो बस हमें ये स्टेप्स फॉलो करने हैं और देखिए अगर आप ये डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते हैं तो आपके पास आता है माइनस डी बाई डी आर ऑफ पोटेंशियल की वैल्यू अगर आप देखें वो आपको गिवन है क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और इसके साथ आर की दो फंक्शंस गिवन है एक है ई पावर माइनस अल्फा आर और एक आर आपको डिनोमिनेटर में गिवन है आप उसे न्यूमरेटर में ले जाएं तो आपके पास आता है आर पावर माइनस वन. बस अब आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लीजिए इसे और फिर प्रोडक्ट रूल लगाइए ई निकालने के लिए. तो ई जो है आपके पास यहाँ से आती है इक्वल टू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर आप डी बाई डी आर इन दोनों वैल्यूज का करेंगे. तो पहले आप आर दी पावर माइनस वन बाहर निकाल लीजिए एज कॉन्स्टेंट और डी बाई डी आर कीजिए ई दी पावर माइनस अल्फा आर का और फिर इसके बाद प्लस ई दी पावर माइनस अल्फा आर को बाहर निकाल लीजिए और डी बाई डी आर कीजिए आर पावर माइनस वन का. बस अब आपको प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद इसे सॉल्व करना है तो दिस कम्स आउट टू बी क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर पावर माइनस वन और यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव लेते हैं ई दी पावर माइनस अल्फा आर आपके पास एक बार तो आएगा ई दी पावर माइनस अल्फा आर और एक बार माइनस अल्फा आर का डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास आता है माइनस अल्फा प्लस यहाँ से देखिए ई दी पावर माइनस अल्फा आर और डी बाई डी आर ऑफ आर पावर माइनस वन जो है ये आपके पास आ जाएगा इवेंचुअली माइनस वन इंटू ई दी पावर और इधर आर दी पावर माइनस टू. तो अब आप इसे थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें तो ये आता है क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट एंड देन यहाँ देखिए यहाँ भी माइनस साइन है यहाँ भी माइनस है ये माइनस आप बाहर निकाल लीजिए दिस कम्स आउट टू बी माइनस हेयर और आपके पास यहाँ पे वैल्यू जो आती है दिस इज अल्फा ई दी पावर माइनस अल्फा आर अपॉन आर. एक तो वैल्यू ये आई पहले वाली दूसरे में आपके पास वैल्यू आ रही है प्लस माइनस आपने बाहर निकाल लिया था पहले कॉमन लेके ये आ रहा है ई दी पावर माइनस अल्फा आर अपॉन आर स्क्वायर. ओके तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया एज अ फंक्शन ऑफ आर. अब इस वैल्यू को उठाना है और यहाँ पे भरना है और फिर ये वैल्यू उठानी है यहाँ भरनी है आपके पास क्यू इनसाइड आ जाएगा. तो देयरफॉर क्यू इनसाइड द क्लोज सरफेस आपके पास आता है इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू द फ्लक्स और फ्लक्स की वैल्यू है दिस ई वैल्यू देखिए हमने ना कुछ मिस किया वो मिस क्या किया यहाँ माइनस साइन हम मिस कर गए. तो आप अगर इस माइनस को यहाँ पर यूज़ करते हैं और ये माइनस जब आप बाहर निकालते हैं तो यहाँ प्लस हो जाता है तो यहाँ पे भी आप इसे प्लस ही रहने दीजिएगा. ध्यान दीजिएगा यहाँ पे माइनस साइन था माइनस डी वी बाई डी आर में और ये माइनस हमने
जब यहाँ इस स्टेप में, ये वाला जो स्टेप था इसमें डेरिवेटिव परफॉर्म किया था, तो माइनस अल्फा और माइनस वन यहाँ पे आया था, इन दोनों में से माइनस साइन जब आप बाहर निकालेंगे तो यहाँ माइनस लगा हुआ था, माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा। यहाँ से अब फर्दर आप सॉल्व करें, एप्सिलॉन नॉट इंटू दिस वैल्यू इंटू यू हैव 4 पाई आर स्क्वायर, ये आपके पास चार्ज इनक्लोज्ड इन साइड दिस क्लोज सरफेस आएगा। अब नेट चार्ज जो है उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने बता उन्होंने दी हुई है हमें कि रेडियस जो है 1 बाय अल्फ़ा लेना है, तो इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो रहा है, आपके पास आ रहा है क्यू, और यहाँ आ रहा है अल्फा अपॉन, देखिए आर की वैल्यू आप फिल करेंगे 1 बाय अल्फ़ा, और फिर यहाँ पे भी अगर आप देखें ई दी पार माइनस अल्फा इंटू 1 बाय अल्फ़ा, प्लस यहाँ पे भी आपके पास आएगा ई दी पार माइनस अल्फा इंटू 1 बाय अल्फ़ा, इवेंचुअली ये माइनस वन हो जाएगी वैल्यू, डिवाइडेड बाय 1 बाय अल्फ़ा का स्क्वायर इंटू, देखिए यहाँ आर स्क्वायर बच रहा था, तो ये आपके पास आ जाएगा इवेंचुअली 1 बाय अल्फ़ा स्क्वायर। ऑल राइट, तो फाइनली सॉल्व करने पे आप देखेंगे ये एक्सप्रेशन आपके पास बनेगा इक्वल टू क्यू, और ये अल्फा ऊपर जाके अल्फा स्क्वायर हो रहा है, तो आपके पास आ रहा है अल्फा स्क्वायर ई दी पार माइनस वन, प्लस यहाँ पे आपके पास आ रहा है ई दी पार माइनस वन अगेन, और ये अल्फा स्क्वायर ये भी ऊपर जा रहा है, तो आपके पास 2 बार आ रहा है ये अल्फा स्क्वायर ई दी पार माइनस वन, और इवेंचुअली दिस इज टू मल्टीप्लाइड बाई 1 बाय अल्फ़ा स्क्वायर। तो देखिए अल्फा स्क्वायर कॉमन आएगा, बाहर निकाल लीजिए, और इस अल्फा स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ई दी पार माइनस वन 2 बार आया, तो आपके पास ये इवेंचुअली आ गया 2 क्यू अपॉन ई, ये वैल्यू आपके पास आ रही है, राइट। एंड दिस आंसर इज गिवन टू अस इन ऑप्शन ए, द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन ए।